हम यहाँ पर उद्योग का व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर रोजगार फैलाएंगे, जिससे कि हमारे समाज की जो भी भाई बंधु माई बहन जो भी बाहर जा रही हैं वो नहीं जाए। जनता सर्वोपरि है और जनता सबको स्टार प्रचारक बनाती है। जनता का समर्थन के बिना कोई नहीं बन सकता है। आज हमारे स्टार प्रचारक हमारे माँ बहन लोग हैं, भाई बंधु हैं। देख लीजिए, इधर घुमा कर देख लीजिए, हमारे माँ बहन लोग आई हुई हैं। ये हमारे स्टार प्रचारक हैं, ये हमको स्टार प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम भाई लोगों का ब्लड काट दीजिए, हमारा भी काट दीजिए, मिला के दिखा दीजिए, अलग अलग है क्या कुछ हो। जब वो नहीं हैं, जब ऊपर वाला एक बनाए हैं, हम यहाँ धरती पर बांटने वाला कौन है। झारखंड के राजमहल विधानसभा सीट पर दिनों दिन बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव ने गुरुवार को भी जनसंपर्क अभियान में अपनी पूरी ताकत को झोंकते हुए क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिले और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील किए। जनसंपर्क अभियान के क्रम में सुनील यादव अपने दल बल और समर्थकों के साथ राजमहल विधानसभा क्षेत्र के मंगलहाट, टेक बथान, राजमहल, साहिबगंज शहर के कुमार टोली, पुरानी साहिबगंज, हबीबपुर, रिफ्यूजी कॉलोनी, कॉलेज रोड, चौक बाजार, बाटा रोड समेत अन्य स्थानों में जनसंपर्क अभियान चलाया। वहां घर घर पहुंचकर लोगों से मिले और उन्हें अपनी नीतियों और योजनाओं से अवगत कराते हुए चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें एक मौका दें, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, वे उनके बीच रहकर उनकी सेवा करेंगे। सेवा भाव उनके लिए कोई नई बात नहीं है, कई सालों से जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं। यदि उन्हें चुनाव में उन लोगों का आशीर्वाद मिला तो उनके बीच रहकर सेवा भाव में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने कमान संभाला और सुनील यादव के समर्थन में वोट मांगते दिखी। देखिए क्या कहते हैं सुनील यादव। चुनावी दौरा आपका लगातार हो रहा है, जनता से क्या आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव अब अपने अंतिम चरण में, आपका संघर्ष किसके साथ है? संघर्ष तो हमारे किसी के साथ नहीं है, हम तो अपना चल रहे हैं, संघर्ष कहाँ किसी के साथ है। सामने तो आप ही लोग दिखाई दे रहे हो, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपको लग रहा है कि किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है? नहीं, हम तो अकेले चल रहे हैं, हम अकेला चलेंगे और ये अकेला जीत निश्चित है। 23 तारीख को आइए, आप लोग मिठाई खाइए। किन किन मुद्दों को लेकर आपने लोगों के बीच गया और उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मुद्दे तो बहुत थे, स्वास्थ्य, शिक्षा है, गंगा ब्रिज है राजमहल का मानिक चक से, और फ्री ऑफ कॉस्ट बस है राजमहल से, जो छात्र छात्राएं पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके चलते हम दे रहे हैं। हर प्रखंड में एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, जिससे यहाँ से यहाँ से जो मजदूर जो जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, कोई कारणवश वहाँ अगर मृत्यु हो जाती है तो जो वो कमाए हैं उनको बॉडी ले आने में उनका परिवार को लग जाता है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो बॉडी उनको गटर में फेंकना पड़ जाता है। तो ये स्थिति है, इसी के लिए हम यहाँ पर उद्योग का व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर रोजगार फैलाएंगे, जिससे कि हमारे समाज की जो भी भाई बंधु माई बहन जो भी बाहर जा रही हैं वो नहीं जाए। भाजपा और झामुमो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रही है, आप इसको किस ओर देख रहे हैं? देखिए, ये तो शायद उनसे पूछिए कि हिंदू और मुस्लिम का बात, शायद यहाँ पर होंगे कोई मुस्लिम भाई लोगों का ब्लड काट दीजिए, हमारा भी काट दीजिए, मिला के दिखा दीजिए, अलग अलग है क्या कुछ हो। जब वो नहीं हैं, जब ऊपर वाला एक बनाए हैं, तो हम यहाँ धरती पर बांटने वाला कौन है। अभी बड़े बड़े स्टार प्रचारक विभिन्न पार्टियों के आपके विधानसभा में नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले हैं,
झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, जनता सर्वोपरि है और जनता सबको स्टार प्रचारक बनाती है। जनता का समर्थन के बिना कोई नहीं बन सकता है। आज हमारे स्टार प्रचारक हमारे माँ बहन लोग हैं, भाई बंधु हैं। देख लीजिए, इधर घुमा कर देख लीजिए, हमारे माँ बहन लोग आई हुई हैं। ये हमारे स्टार प्रचारक हैं, ये हमको स्टार प्रचार कर रही हैं, यही हम। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।